नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में जानेंगे यदि आपको लॉगिन समस्या हो रहा है तो उसको बिना लॉगिन किए कैसे इसको हमारा कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, मेरा दीक्षा को मैं ओपन करता हूं, मेरा भी लॉगिन नहीं हुआ है। यहां पर देखिए, कोर्स में मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूं यहां पर लॉगिन बता रहा है, और प्रोफाइल में भी देखता हूँ तो मेरा नाम भी नहीं लिखा है, गेस्ट लिखा है और यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर दीक्षा में लॉग आउट भी नहीं है। इस तरह से मेरा जो दीक्षा है वो लॉगिन नहीं हुआ है। तो इस समस्या से को दूर कैसे कर सकते हैं, तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हमें किसी भी ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पर लिखना है diksha.gov.in। जैसे ही इसको ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ये होम पेज आ जाएगा। इसी होम पेज में यदि होम पेज पर क्लिक ना हो तो आप होम पेज पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर एक्सप्लोर दीक्षा का ऑप्शन आएगा, इसी को क्लिक करना है। और साथियों यहाँ पर देखिए क्रोम ब्राउज़र और दीक्षा दिया है, तो हमको दीक्षा पर क्लिक नहीं करना है। यदि दीक्षा पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर लॉगिन समस्या हो रहा है, इसलिए उसको चूज़ नहीं करना है, हमको क्रोम में करना है। तो क्रोम को जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर एक विंडो ओपन होगा ये, और राइट साइड में सबसे ऊपर में एल लिखा हुआ है, जो मेरे नाम का प्रथम अक्षर है, ये आपके नाम के प्रथम अक्षर से रहेगा यदि आपने पहले लॉगिन या रजिस्टर्ड कर चुके हैं। तो इस पर क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे आपका नाम आ जाएगा। देखिए नाम आया और सबसे नीचे में लॉग आउट भी है, और यहाँ पर जो कोर्स लिखा है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे हमारा कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा लिखा हुआ है, क्योंकि मैं एक बार इसको कोर्स में इंटर कर चुका था इसलिए यहाँ पर है, आपके में यहाँ पर हो सकता है। ये देखिए तीन कोर्स दिया गया है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। हमको गवर्नमेंट के द्वारा जो दिए गए ऑर्डर के हिसाब से, हमको जो मॉड्यूल दिया गया है उसके हिसाब से चलना है, और हमको इस पर पाठ्यचर्या में क्लिक करना है। ये पहला कोर्स है, इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा रहा है कंटिन्यू लर्निंग। तो आपके जब फर्स्ट टाइम यदि कर रहे हैं तो यहाँ पर ज्वाइन मीटिंग लिखाएगा, क्योंकि मैं एक बार कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पर कंटिन्यू लर्निंग लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है, और इस वीडियो यहाँ पर देखिए 1/2 कंप्लीटेड लिखा है, मतलब यहाँ दो लेसन है जिसमें से एक पूरा हो गया है, दूसरा बचा है। तो मेरा पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा का कोर्स बचा हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक किया ये देखिए लोडिंग हो रहा है, 50% 100% हो गया। इस तरह से यह वीडियो स्टार्ट हो गया, और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। यह वीडियो लगभग 11 मिनट का है, और इसको यहाँ पर तीन डैश लाइन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिप्ले, यदि आप इसको फिर से देखना चाहते हैं तो रिप्ले कर सकते हैं, यदि इसको साउंड बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर साउंड को क्लिक कर दीजिए, और लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा तो एग्जिट कर लेना है, क्योंकि अभी स्टार्ट चालू नहीं हुआ है। ये देखिए चालू हो गया, इस तरह से इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना है, और उसके बाद हमको वापस हो जाना है। और इस तरह से ये अभी 1/2 ही लिखा रहा है, मतलब मेरा कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं वीडियो को पूरा नहीं देखा। यदि पूरा देखा होता तो यह 2/2 हो जाता। ठीक है साथियों, ये कंप्लीट होने के बाद हमको बैक बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही ब्लैक बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए मॉड्यूल विवरण, इसमें राइट का चिन्ह हो गया है, मतलब पहला जो लेसन कंप्लीट हो गया है, दूसरा है परिचय, उसके बाद इसको क्लिक करेंगे तो इसी प्रकार हमको इस कोर्स को आगे बढ़ते जाना है। फिर पाठ्यचर्या, समावेशी, सारांश, पोर्टफोलियो, अतिरिक्त संसाधन, उसके पश्चात प्रश्नोत्तरी पर इंटर करेंगे और प्रश्नों का जवाब हम देंगे। यदि ये 60% से अधिक नहीं हुआ तो हमको इसको दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, यदि उस बार भी नहीं हुआ तो तीसरी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमको यह कोर्स कंप्लीट करते जाना है। जब यह लेसन कंप्लीट हो जाए तो बैक बटन पर क्लिक करेंगे और
यहाँ पर दूसरा जो कोर्स का हम पहला मॉड्यूल का दूसरा जो अध्याय है इस पर क्लिक करेंगे, और उसी तरह से जो पहले हमने पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा में जिस तरह से वीडियो को, और उसी तरह इसको भी कंप्लीट करते जाना है। तो इस तरह से हमारा जो कोर्स है वो 16 नवंबर तक इसको पूर्ण कर लेना है। तो साथियों, इसी तरह से मैं वीडियो लाते रहता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और आप मेरे चैनल सीजी स्कूल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो मैं नया वीडियो लाऊंगा वह आपको सबसे पहले प्राप्त हो नोटिफिकेशन के माध्यम से, और आप उसका भरपूर लाभ ले सकें। धन्यवाद साथियों।